हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिर्च मसाला किचन में। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ये आलू। और ये कोई ऐसे वैसे आलू नहीं है, ये है व्रत में खाने वाले पीनट आलू, जिसको कि मैंने सर्व किया है दही के साथ। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। एक हम पैन लेंगे, पैन गरम हो चुका है। इस पे हम एक कटोरी मूंगफली लेंगे और उनको हम भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। दो मिनट बाद ही आप देखेंगे कि मूंगफली भुन चुकी है। आप इन्हीं सभी मूंगफलियों को आप कटोरी में निकाल के और अब इसको मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे व्रत वाले आलू, वो भी ऐसे वैसे आलू नहीं, पीनट आलू, जिसमें आपको पीनट का भी स्वाद मिलेगा, मूंगफली का स्वाद, मूंगफली वाले आलू। तो उसके लिए हमारे पास है ये आलू। ये मैंने दो छोटे आलू थे उनको उबाल के और इस शेप में काट लिया है। ये धनिया, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। और हमारे पास पीनट आलू है तो उसके लिए पीनट भी चाहिए। ये हमने मूंगफली ली है, मूंगफली को हमने पहले अच्छे से भून लिया है और अब इसको हम मिक्सी में अच्छे से इसका पाउडर बनाएंगे। तो चलते हैं बनाने। सबसे पहले हम अपना पैन को गरम कर लेंगे, गैस ऑन कर ले। इन पीनट आलू को आप, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इनको देसी घी में ही बनाएं तो इनका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। हमने दो छोटे आलू लिए थे तो उसी के हिसाब से थोड़ा सा हम घी डालेंगे अपने पैन में। इसको फैला ले। थोड़ा सा जीरा डालें, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, अगर आप जीरा नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं व्रत के दिनों में। इसको अच्छे से मिक्स करें। थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, हल्की सी काली मिर्च, इन सभी चीज़ों को आप मिक्स करें। अदरक डालना चाहे आप पीस के तो वो भी डाल सकते हैं।
और अब बारी है इन आलू की। सभी आलू को आप इसमें मिक्स करें। इन आलू को अब ढक के रखें। केवल 2 मिनट के लिए ही हम इन्हें ढकेंगे। फ्लेम को आप लो मीडियम ही रखें, जिससे कि हमारे जो आलू है वो थोड़े क्रिस्प हो जाए। 2 मिनट बाद हम इसका ये ढक्कन उठाएंगे। अब इसको पलट के देखें, आप देख सकते हैं क्रिस्प होना स्टार्ट हो गए। बस इसी स्टेज पे हमें थोड़ा सा नींबू का रस, डालना है और इसको मिक्स करें। एक चम्मच जो हमने मूंगफली को पीसा है वो डालें। गैस अब हम बंद कर सकते हैं। थोड़ा और डालना चाहे तो आप बेशक और डाल सकते हैं। तो लगभग 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है। धनिया के पत्ते और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। बस हमारे ये आलू बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसे दही के साथ खा सकते हैं या नॉर्मल ऐसे भी इसको एंजॉय करें। ये देखिए दोस्तों, हमारे व्रत के ये पीनट आलू बिल्कुल रेडी है और इसे हम दही के साथ खा सकते हैं या हम ऐसे भी, इसको बड़े ही चटपटे हैं तो हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं। इसको मैंने सर्व किया है आज दही के साथ। दही को फेंट के उसमें हमने सेंधा नमक डाल के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो डला हुआ है वो हमारा मूंगफली का वही पाउडर है जो मैंने मूंगफली पीस के इसमें डाली थी सब्जी में। ये वही सेम इसमें भी मैंने ऊपर सजाने के लिए थोड़ा सा डाल दिया है। और जब आप इसको इसके साथ खाओगे तो ये बड़ा ही क्रिस्प लगेगा रायता। और ऊपर से फिर थोड़ी सी काली मिर्च डाली और धनिया पत्ती के साथ सजा के मैंने ये इसको आलू के साथ सर्व किया है। आप भी ऐसे बनाइए और इसे जरूर खाइए और मुझे बताना बिल्कुल ना भूले। ओके बाय, हैप्पी नवरात्रि। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए।